नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये अपने पास टोयोटा क्रिस्टा है और इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि ABS का जो साइन है ये क्लस्टर मीटर में कंटिन्यूसली ऑन हो रहा है गाड़ी रनिंग कंडीशन में। तो इस फॉल्ट को अपन ट्रेस करेंगे और क्लियर करेंगे। तो आपको एक बार मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ। टोयोटा क्रिस्टा, तो गाड़ी का मैं इग्निशन स्विच ऑन कर गया और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी मैंने स्टार्ट किया और आप देखेंगे तो इसके अंदर ABS का लाइट कंटिन्यूसली ऑन है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इस लाइट को जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा है। और साथ में ये जो हैंडब्रेक जैसा आया है रेड वाला साइन, वो भी उसके साथ में आ रहा है क्योंकि ये हैंडब्रेक का अलग है। ये तो ये ऊपर करूँगा, मैं खींचूँगा तो एक और एक पार्किंग का यहाँ पे साइन आता है रेड वाला, उसको मैं नीचे करूँगा तो ये चला जाता है। लेकिन ABS और साथ में ये रेड कलर का साइन, ये दोनों आ रहा है। तो एक बार इसको स्कैन करते हैं कि ये फॉल्ट क्यों आ रहा है और इस फॉल्ट को अपन क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने स्कैनर को हुकअप कर दिया X-Tool का H6 Pro और जाते हैं डायग्नोस में। एशिया जाएंगे टोयोटा, यूरोप ऑटोमेटिक डिटेक्शन करेंगे। विदाउट स्मार्ट की इसको टोयोटो में भी स्कैन कर सकते हैं। सिस्टम सिलेक्शन और सीधा जाऊंगा मैं ब्रेक में क्योंकि इसका ABS का लाइट आ रहा है, तो जाते ब्रेक में। ओके, रेड DTC करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉल्ट कोड शो हो रहा है C1407 ओपन और शॉर्ट इन रियर स्पीड सेंसर राइट साइड सर्किट और एक करंट में फॉल्ट कोड, तो इसके वजह से ये जो ABS का साइन आ रहा है। तो देखते हैं एक बार रियर राइट साइड का व्हील खोल के कि सेंसर का कंडीशन, सेंसर का वोल्टेज चेक करेंगे। तो खोलते हैं रियर राइट साइड व्हील। तो अपने जो रियर राइट का अपन टायर खोल दिया, ये इसका है ABS सेंसर, ये पे इसका ABS सेंसर है और इसके सॉकेट में देखेंगे, सप्लाई चेक करेंगे। तो इसका अपन सॉकेट खोल लेंगे, ये राइट साइड रियर का है ABS सेंसर। तो फर्स्ट अपन इसमें सप्लाई चेक करेंगे, इग्निशन स्विच ऑन कंडीशन में इसमें बैटरी वोल्टेज शो होना चाहिए, 12 वोल्ट के आसपास सप्लाई आना चाहिए। और मल्टीमीटर को अपन 20 वोल्ट DC पे सेट करते हैं। और वोल्टेज चेक करेंगे और इग्निशन स्विच ऑन कंडीशन होना चाहिए। तो इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ मैं, ऑन किया और इग्निशन स्विच ऑन है अपना और वोल्टेज चेक करते हैं। तो इसमें कुछ भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट शो होना चाहिए था लेकिन इसके अंदर नहीं हो रहा है। तो अपन इसके लिए इसका वायरिंग चेक करेंगे क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कि इसका सेंसर का प्रॉब्लम नहीं है, इसका वायरिंग का प्रॉब्लम है। तो एक बार वायरिंग चेक करते हैं और यहाँ पे मैंने इसका डीजल का टैंक उतार दिया है और ABS तक अपने को वायरिंग चेक करने का था, तो मुझे एक जगह पे प्रॉब्लम मिल गया इसका। तो ये इसका डीजल का टैंक है, ये इसका वायरिंग कटा है। तो इसको रिपेयर करता हूँ मैं वायरिंग को।
और दिखाता हूँ। तो फाइनली मैंने वायरिंग भी रिपेयर कर दिया और अभी देखेंगे वोल्टेज। और अभी सेम प्रोसेस में अपन रियर राइट का वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है और देखेंगे वोल्टेज। तो यहाँ पे 12 वोल्ट शो हो रहा है। तो वायरिंग का प्रॉब्लम था, इसके वजह से ये ABS का लाइट आ रहा था। तो एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और ABS का लाइट गया क्या वो भी देखते हैं। और एक बार स्विच को ऑफ करके ऑन करता हूँ मैं। ऑन किया तो यहाँ पे देखेंगे तो ABS लाइट आया और चला गया। वापस दिखाता हूँ, ABS लाइट आया चला गया दोनों लाइट। तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी हो गई स्टार्ट और अपना ABS का प्रॉब्लम हो गया रिजॉल्व। और एक बार आपको स्कैनर पे भी दिखाता हूँ मैं, रीड ट्रबल कोड नो ट्रबल कोड। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फायदा हासिल हुआ रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।